बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू वीएस मुस्लिम के नाम से एक कंपैरिजन पेश किया है एक साहब ने, जिसका नाम नसीब सारवे है यूट्यूब के ऊपर। और ये साहब बहुत ही गलत बातें किए हैं। एक तो ये कि मुसलमान और हिंदू जो है दोनों बराबर हैं, और उसके सबूत में कहा है कि हिंदू जो है खड़ी मूर्त की पूजा करता है और मुसलमान जो है ना परी मूर्त की पूजा करता है। यानी कि ये जो कब्रों में लेटे हुए औलिया कराम हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि लोग उनकी परी मूर्तों मूर्ति की पूजा करते हैं। इसका जवाब यह है कि ये औलिया कराम जो कब्रों में लेटे हुए हैं उनकी लाश महफूज है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद कहा है अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के दोस्त हैं और उनकी पहचान ये है कि उनकी लाश जो है, ये जितने भी लोग हैं जिनके कब्रों पे लोग हज़ारों की तादाद में जाते हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, उनकी लाशें महफूज हैं। चाहे इस्तखारे के ज़रिए से मालूम कर लें या वाल मशीन ले जा करके उनकी लाश को कैमरे के ज़रिए से ऊपर से देख लें, जिस तरीके से भी चेक करना चाहें चेक कर लें, उनकी लाश महफूज है। और उनको जो है परी मूरत से तशबीह देना बिल्कुल ही गलत बात है। तफसीर बयान कुरान में हज़रत मौलाना अशरफी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शुहदा इस्लाम के बारे में जो आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 154, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि मत कहो उनके बारे में जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम लोग शुऊर नहीं रखते हो। इसी तरह से सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 के अंदर है कि वला तहसबन्नल्लज़ीन क़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, के मत गुमान करो उनके बारे में जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास, उनको रोज़ी दी जाती है, ग़िज़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो सेहतमंद रहते हैं। इन आयात के बारे में तफसीर में कहा गया है कि औलिया कराम भी चूँकि नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं जो कि जिहाद अकबर है, इसलिए भी उनको शुहदाए इस्लाम जैसी ताकत मिलती है और उनकी लाश भी महफूज रहती है जैसे कि शुहदाए इस्लाम की लाश महफूज रहती है। ये कहना कि वो परी मूरत है बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी बात यह है कि मूरत जो है बेजान चीज़ है और उसमें रहनुमाई करने की, किसी की हेलिंग करने की या किसी के ऑपरेशन करने की कोई सलाहियत नहीं है, जबकि इन औलिया कराम जो है इनके पास लोग जाते हैं, रात दिन क़याम करते हैं, हिंदू भी होते हैं मुस्लिम भी होते हैं, और वहाँ ख़्वाब के ज़रिए से उनकी रहनुमाई भी होती है और बीमारियाँ भी अल्लाह के हुक्म से दूर होती हैं। और बाज़ तो ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन तक कर रहे हैं, जैसे शाह यकीक बाबा हैं, शाह यकीक बाबा गोट छूहर जमाली डिस्ट्रिक्ट थट्टा सिंध पाकिस्तान के अंदर, और जिनके बारे में यूट्यूब पर और जियो टीवी है, समा टीवी है और दूसरे टीवीज़ के ऊपर भी है, हमारी वेबसाइट के अंदर भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करने के बावजूद, इंतकाल के बावजूद ये अभी तक ऑपरेशन कर रहे हैं। और हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं, आप उनसे जाके मिलेंगे, जिनकी ऑपरेशन मुकम्मल हुआ इनके ज़रिए से, और लोग हज़ारों की तादाद में आज भी लोग जा रहे हैं ली मार्केट कराची पाकिस्तान से। लिहाजा बुतों से इन औलिया कराम को तशबीह देना बिल्कुल ही गलत बात है और ये जाहिलाना बात है, इल्म की कमी की वजह से है। दूसरी बात यह है कि इन साहब ने
अपने तकरीर में कहा है कि हिंदू अगर चादर चढ़ाए, चुनरी चढ़ाए तो काफिर है, और मुसलमान अगर अपने इन लोगों के, इन औलिया कराम के कब्रों पे चादर चढ़ाए तो वो पक्के मुसलमान हैं। तो मेरे भाई, सिर्फ चादर चढ़ाने ना चढ़ाने से कोई इंसान ना तो काफिर होता है ना मुसलमान होता है। ये इंसान के अपनी अकीदत है। जो मुसलमान अकीदत के अंदर आकर के, मोहब्बत के अंदर आकर के वो चादर चढ़ाते हैं, ये कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है। और हिंदू को काफिर या गैर मुस्लिम इस वजह से नहीं कहते कि सिर्फ चादर चढ़ाते हैं, बल्कि वो कुरान को नहीं मानते हैं, हमारे नबी को नहीं मानते हैं, अल्लाह को एक नहीं मानते हैं, शिर्क करते हैं, इस बना पर वो काफिर हैं, सिर्फ चादर चढ़ाने की वजह से काफिर नहीं है। तीसरी बात यह है कि हिंदू लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद के नाम से खाते हैं, और मुसलमान जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो तबर्रुक के नाम से खाते हैं। तो दोनों काम तो एक ही करते हैं। मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत से काम यकसा करते हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से हिंदू हैं आपको दाएं हाथ से खाते हुए नजर आएंगे, मुसलमान भी दाएं हाथ से खाते हुए नजर आते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इससे कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है, ये इंसान का अपना एक फेल है। देखना यह है कि बुनियादी तौर से मुसलमान जो है वो इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनको वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो मुसलमान कोई भी है वो पहला कलमा पढ़ता है, अल्लाह को एक मानता है। कोई भी मुसलमान अल्लाह को दो तीन नहीं मानता, खुदा दो तीन नहीं मानता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, दूसरे नबियों को मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं, और इसी तरह से आखिरत के दिन की मानते हैं, मरने के बाद उठाए जाने को मानते हैं, जन्नत और जहन्नम के ऊपर यकीन रखते हैं। जबकि ये चीज़ें गैर मुसलमों के अंदर, खासतौर से हिंदुओं के अंदर नहीं है। वो अल्लाह तो खुदा को एक नहीं मानते, और इसी तरह से चुनांचे आप देखें कितनी चीज़ों की वो पूजा करते हैं वो। और इसी तरह हमारे नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, हम लोग मुसलमान मानते हैं। तो कितने बुनियादी फ़र्क है। एक चीज़ खिंजीर है, उसको वो लोग हलाल समझ के खाते हैं, हमारे नबी कुरान बिल्कुल हराम है, कितना फ़र्क है। गाय को हम हलाल समझ के खाते हैं और वो गाय को वो हराम समझते हैं, नहीं खाते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो गाय की पेशाब के पीने को इबादत समझते हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ऐसा नहीं करते। ये कितना फ़र्क है। गाय का जो लीद है वो नापाक है, और लेकिन वो हिंदू लोग जो अपने घरों के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम मुसलमान इसको नापाक समझते हैं। तो कितना फ़र्क हो गया। बहुत बुनियादी फ़र्क है अकायद के अंदर भी और तर्ज ज़िंदगी के अंदर भी। लिहाजा ये कहना कि दोनों एक ही है और दोनों जन्नत में जाएंगे, अगर मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो वो भी जन्नत में जाएंगे, बिल्कुल ही गलत बात है। बाकी खाना तो हिंदू भी खाता है और मुसलमान भी खाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि होटल में अगर हिंदू भी जाके खाता है और उसी होटल में मुसलमान भी जाके खाता है तो आप ये कह दें कि जी दोनों एक हो गए। वो तो इंसान की जरूरियात है, इंसान जाता है वो करता है खाता है। लिहाजा ये दलीलें बिल्कुल ही फाल्स हैं। इंसान अकीदत की बुनियाद पर अपने औलिया कराम के चादर भी चढ़ाता है, वहाँ मिठाइयाँ भी पेश करता है, और क्या कहते हैं वो तबर्रुक के तौर पर खाते हैं, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और तबर्रुकात जो है वो जायज़ है। और तबर्रुकात के अंदर, तबर्रुक का मतलब ये होता है कि उनसे जो मनसूब चीज़ें होती हैं उसमें बरकत आ जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जूता इस्तेमाल किया उसमें तबर्रुक था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाठी इस्तेमाल किया उसमें तबर्रुक था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े इस्तेमाल किए उसमें तबर्रुक था। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं तो उनके जिस्म में नूर पैदा होता है, और उनके जिस्म से जो चीज़ भी टच करती हैं उनके अंदर भी नूर पैदा होता है। तो इस बना पर वो जगह, वो चीज़ और जो भी चीज़ उनके नाम पर दी जाए तो उसमें बरकत आती है। इस बना पर इसको हम तबर्रुक कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और इसी तरह औलिया कराम भी करामात साबित हुए हैं। औलिया कराम के यहाँ भी पानी के अंदर बरकत हुआ, चुनांचे मोहसिन चिश्ती रहमतुल्लाह ने एक प्याला पानी के अंदर सारा महासागर का पानी ले लिया था। तो इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों पानी के अंदर उंगली रखा और चश्मा फूट पड़ा था, यह हदीस से साबित है, पानी में बरकत हुआ। इसी तरह से कुरान करीम सूरह अल बकरा के अंदर है
वो तालूत अलैहिस्सलाम के बारे में जिसमें आया है आतियकुम ताबूत व फीह सकीना व बकियतुन मा तरका आल मूसा व हारून, कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी उस ताबूत के अंदर वो चीज़ थी तो उसको तबर्रुक माना गया और वो इस्तेमाल शुदा चीज़ को फरिश्ते लाए थे तालूत अलैहिस्सलाम के पास, जो निशानी थी इस बात की कि तालूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है और बादशाह बनाया है, इसकी इताअत की जाए। लिहाजा ये बातें बिल्कुल ही गलत हैं जो इन्होंने की हैं, और ये ऐसे ही है जैसे नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये नसीब साहब जो हिंदू वीएस मुस्लिम कंपैरिजन के नाम पर तकरीर किए हैं, उन्होंने इसी जहालत का और कम इल्मी का मुजाहरा किया है, उसको इल्म नहीं है। वरना आप देखें कि किसी भी गैर मुस्लिम के मजार पर कब्रिस्तान तो बहुत है, कब्रें भी बहुत है, लेकिन आप गैर मुस्लिम के मजारात पर आप नहीं देखेंगे मुस्लिम गैर मुस्लिम को जाते हुए, रात को क़याम करते हुए, वहाँ पर लंगर करते हुए, वहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए, और वहाँ पर वो रहनुमाई लेते हुए या बीमारियों के अंदर शिफा लेते हुए या और दूसरे मसाइल के हल के लिए वो वहाँ नहीं जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि बुतों के अंदर कुछ भी नहीं रखा, ये तो शैतान वहाँ पर गाइड करता है, और गैर मुस्लिम के अंदर भी कोई ताकत नहीं है मरने के बाद, इसीलिए कोई उनके मजार पे नहीं जाते। जबकि हमारे यहाँ ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं अजमेर शरीफ के अंदर, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसी तरह पाकिस्तान में लाहौर के अंदर सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दादा साहब हैं, पाकपतन शरीफ के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, सेवन शरीफ के अंदर पाकिस्तान में लाल शहबाज कलंदर साहब हैं, इसी तरह ठट्टा के अंदर अब्दुल्ला साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, इसी तरह से छुअर जमाली के अंदर शाह यकीन बाबा हैं, और बहुत सारे औलिया कराम हैं जिनके मज़ारात लोग जाते हैं और फैज़ पाते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे जिसकी हुकूमत आज भी लोगों के दिलों पर है और लोग वहाँ जाते हैं और सुकून पाते हैं। अब रह गई बात के यहाँ दुनिया में सब दावे कर रहे हैं, हिंदू भी दावे कर रहे हैं, यहूदी भी दावे कर रहे हैं, ईसाई भी दावे कर रहे हैं, और बुद्धिस्ट भी दावे करते हैं, और सिख भी दावे कर रहे हैं, और मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे करते हैं कि हमारा ही दीन और मज़हब सही है और हमारे अकायद सही हैं और हम ही मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। लेकिन हम आपको नेचर से, बिहेवियर और नेचर से चंद बातें बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई ठीक है हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर चंद चीज़ों के अंदर ऐसी मुमासलत आप देखते हैं जो बज़ाहिर आपको नज़र आता है कि दोनों एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहेवियर और नेचर जो है वो साबित कर रहा है कि इस्लाम और कुफ्र में और इस्लाम और हिंदुइज्म के अंदर बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर बिहेवियर और नेचर से, नेचर जो है आग पानी मिट्टी हवा बिल्कुल ही गैर जानबदार होता है और ये झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, जानबदारी का मुजाहरा नहीं करता। खाली के कायनात उसके कंट्रोल में है, ये किसी और के कंट्रोल में नहीं होता। आप ये देखें कि बिहेवियर और नेचर जो है वो क्या कहता है, दीन इस्लाम के अकायद की तस्दीक करता है या कुफरी अकायद की तस्दीक करता है। जब हमने गौर खोज किया है तो हमने पाया है कि आग जो है अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमानों के खुदा हैं उनकी तो बात मानता है और उसके कंट्रोल में है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अंबिया और सूरह नंबर 21 आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलने से बचाया, कुलना या नारो कूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ए आग तू सलामती के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के खुदा ये दावा कर रहे हैं कि हमने आग में इब्राहिम को जलने से बचाया। हमारे औलिया कराम के
के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हुए जो अल्लाह के फजल करम से आग में नहीं जले, जैसे हजरत मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह आग में गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे थे और नहीं जले थे, हमारे पास तारीखी सबूत मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चंद मुसलमान ऐसे मौजूद हैं जो अपने दीन इस्लाम की सच्चाई को साबित करने के लिए काफिरों के साथ बिना केमिकल इस्तेमाल किए हुए आग में जाने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह तबरक व तआला इनमें से कोई ना कोई जब इन काफिरों के साथ जाएंगे तो आग में जलने से बच जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा, हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जो इन मुसलमानों के साथ आग में जाने के लिए तैयार हो बिना केमिकल इस्तेमाल किए हुए, और अगर वो चले भी जाएंगे तो वो जल जाएंगे, जिससे साबित होता है कि बिहेवियर और नेचर जो है वो बता रहा है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और दीन इस्लाम के अलावा और कोई सच्चा नहीं है। हिंदू लोग ये दावा तो करते हैं कि सीता आग में गई थी और नहीं जली थी, लेकिन वो इस दावा को कभी भी साबित नहीं कर सकते और प्रैक्टिकल साबित नहीं कर सकते आग में जाकर के कोई भी हिंदू कयामत तक कि वो नहीं जले, बशर्ते कि वो जिस्म पर केमिकल इस्तेमाल ना किया हो। इससे वाज़ेह तौर से साबित होता है कि दीन इस्लाम एक सच्चा मजहब है और खालिक कायनात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि आग जो है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और खुदा के कंट्रोल में नहीं है, जो तसव्वुराती खुदा आजकल पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है, आप पानी को ले लें, ये हिंदू लोग भी अपनी लाशों को पानी पे बहा देते हैं लेकिन एक भी लाश उसमें सड़ने गलने से महफूज नहीं रहता, लेकिन कुरान करीम में सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में आप जाके देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दावा किया कि हमने फिरौन की लाश को महफूज किया, और जब 1898 के अंदर मॉरिस बुकाली ने तहकीक किया तो उन्होंने पाया और वो मुसलमान भी हो गए कि वाकई फिरौन की जो लाश है वो वही लाश है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में गर्क आग हुआ था, और अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया कुरान करीम के अंदर, और उसके अंदर समंदर के पानी के जो नमकियात होती है, नमक के असरात होते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए थे, जिसे साबित हुआ कि ये वही लाश है जिसका कुरान ने दावा किया है। तो आप देखें कि पानी भी अल्लाह तबारक व तआला की बात माना और जिस लाश को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम महफूज रखेंगे कि फलियोम नुनजी का विवदने का, आज हम तुम्हारी लाश को महफूज रखेंगे, लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि बाद में आने वालों के लिए सबक बन जाओ, निशानी बन जाओ। तो यहां पर तो हमारे पास सबूत है, केरो मिस्र के अंदर इनकी लाश म्यूजियम में महफूज है, आप जाके चेक कर लें। दूसरे मम्मी के अंदर और फिरौन की मम्मी के अंदर बहुत फर्क है, इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं भी किया गया लेकिन फिर भी ये महफूज था, बल्कि दूसरी मम्मी जो है उसमें केमिकल इस्तेमाल हुआ है। तो इस बना पर पानी भी अल्लाह के मातहत है। हमारे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्र के समंदर को, बहर नील को खत लिखा था कि अगर तुम अल्लाह से के हुक्म से बहते हो तो तू जारी हो जा, और अगर तुम अल्लाह के हुक्म से नहीं बहते तो जारी मत होना। चुनांचे जब ये कागज पर लिखी हुई तहरीर जो है डाली गई थी तो वो समंदर जो है वो जारी हो गया था। आज भी अगर 5 अरब गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाए तो अल्लाह का कोई ना कोई नेक बंदा मुसलमान जो है वो पानी, जारी पानी को रोक भी सकता है और रुके हुए पानी को जारी भी कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। शर्त यह है कि ये लोग इस करामत को देख करके मुसलमान होने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह से जमीन की मिसाल ले लें, शुहदाए इस्लाम की लाशें, अंबिया कराम की लाशें महफूज है जमीन के अंदर, तो मिट्टी ने उनके लाशों को क्यों नहीं खाया, कभी कीड़े मकोड़े ने उनकी लाशों को क्यों नहीं खाया, ये मिट्टी
कि बिहेवियर जो है ये साबित कर रहा है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है, उसके अलावा कोई मजहब सच्चा नहीं है। अंबिया कराम और खासतौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश महफूज है। औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है अबू दाऊद के अंदर किताबुस्सलात जिल्द अव्वल बाब तफ़रीज़ जुमअत व खुतबतिहा के अंदर के सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जुमा के दिन जो है तुम मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजना। तो सहाबा कराम ने पूछा था कि हमारे दरूद आप पर कैसे पेश किए जाएंगे, वक़्त अरिन था और बली था कि आप मिट्टी में मिल चुके होंगे, सरगल चुके होंगे, तो हमारे दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्से अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ताला ने जमीन को मना कर दिया है कि वो अंबिया कराम के जिस्म को खाएं। तो आप देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश भी महफूज है, शहदा इस्लाम की लाश महफूज है, सहाबा कराम की लाश महफूज है, सच्चे मोमिनीन मोमिनात की लाशें महफूज है। इन सब मिलाकर करोड़ों की तादाद में इनकी बनती है। और हमारी जो ये वेबसाइट है www.fullreligion.com इनके अंदर जो है वो उनके एड्रेस वगैरह दिए गए हैं, लोकेशन वगैरह भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और दिमश्क के अंदर हज़रत अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह की एक पाँव बाहर निकला हुआ है, वहाँ पर आप जाएँ देखें, पाँव का नाखून भी बढ़ता है और पाँव के महफूज होने का मतलब, सही सालिम होने का मतलब है कि पूरा जिस्म महफूज है। ऐसा नामुमकिन है कि जिस्म तो सरगल गया हो लेकिन पाँव ही सिर्फ महफूज रहा हो, वो पाँव बाहर निकला हुआ। आप चाहें ज़ियारत करें, जब एक लाश महफूज है तो इसका मतलब यह है कि दूसरी लाशें भी महफूज हैं। और ये लाश जो है गोया के ज़मीन के ऊपर है, तो इस बना पर इसे साबित होता है कि ज़मीन की बिहेवियर भी ये बता रहा है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और उनके अकायद सही हैं। लिहाजा आप किसी भी गैर मुस्लिम की लाश ज़मीन में इंटेक्ट कंडीशन के अंदर महफूज नहीं पाएंगे। अगर इन लाशों को ज़मीन के ऊपर रख दें तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी भी गैर मुस्लिम की लाश महफूज नहीं रहेगी इंटेक्ट कंडीशन में, और 15 दिन महीने के अंदर ही सड़ना गलना बदबू आना शुरू हो जाएगा। जबकि शहदाए इस्लाम की लाश ज़मीन पे आप रख दें या औलिया कराम की या इनमें से किसी की, तो इंशाअल्लाह तबरक व तआला वो लाश जो है सड़े गलेगा नहीं। हालांकि मुसलमान जो शहीद हुए वो अपने खुदा के नाम पर, और गैर मुस्लिम भी अपने अपने खुदाओं के नाम पर शहीद होते हैं, लेकिन दोनों की लाशों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि शहीद जो है उनकी लाशें कई रोज़ तक ज़मीन पर रहने के बावजूद उसमें कोई बदबू पैदा नहीं होता, और महीनों आप रख दें ज़मीन के ऊपर तो इंशाल्लाह वो सड़े गलेगा नहीं। मैं हर उस शख्स की बात नहीं करता जो कत्ल हो जाते हैं, बल्कि मैं उस मुसलमान की बात करता हूँ जो सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह के रास्ते में कत्ल होता है। वो टेररिस्ट मुसलमान की बात नहीं करता जो अपने बदनीयती की वजह से या अपने ख़ास गर्ज के तहत जो है वो लोगों को मरते या मारते हैं, खुद मरते या मारते हैं ना, उनकी बात नहीं करता, बल्कि सच्चे शहीद की बात करता हूँ। और उनका पहचान यह होता है कि उनकी लाश महफूज रहती है। तो ये बिहेवियर और नेचर हमें बता रहा है कि इस्लाम के अंदर और हिंदुइज्म के अंदर बहुत फर्क है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह अल बकरा आयत नंबर 161-162 में क्लियर तौर से जवाब दे दिया, इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फार फअलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइकतु वन नास अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ्फु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, के बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया कुफ्र की हालत में मर गए तो उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे और उनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी ना उनको वहाँ से निकाला जाएगा। इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 के अंदर है कि इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फारुन फलयुक्बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ ज़हबन वलव इफ्तदा बिही, कि जिन्होंने कुफ्र किया कुफ्र की हालत में मर गए तो वो अज़ाब में चले जाएंगे और ज़मीन भर भी सोना दिया जाए जान छुड़ाने के लिए फिदिये के तौर पर, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम,
वमा लहुम मिन नासिरीन, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और उनका कोई मददगार नहीं होगा। लिहाजा आप देख लें, किसी भी गैर मुस्लिम की कब्र पे जाके इस्तखारा करें, महीना, दो महीना, तीन महीना, जादूगरों से मालूम करें या रूहानी लोगों से मालूम करें, आप देखेंगे वहाँ पर कोई रूहानियत नहीं है। वो किसी की गाइड नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि वो अजाब में मुबतला है। जब अजाब जिस मौजू को दोनों हो रहा हो तो वो क्या किसी की मदद कर सकता है, किसी किसी गाइड कर सकता है। लेकिन जो हमारे औलिया कराम हैं जिनका मैंने नाम लिया है, आप देखें उनके मजार पर लोग क्यों जाते हैं। आप उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें भाई आपको यहाँ क्यों आते हैं। हजारों आदमी तो सबके सब हम बेवकूफ़ नहीं कर सकते और सबके सब हम ये नहीं कर सकते कि वो पागल हैं, नफ्सियाती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है इसलिए वो यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चंद बातें अगर गौर करेंगे, ये साहब जिसका नाम नसीब है और हिंदू वी एस मुस्लिम कंपैरिजन के ऊपर गुफ्तगू की है यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो है ना हमारी बातों को से इत्तफाक करते हुए अपनी बातों से तौबा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन।